तो भैया मैंने ये सुना है कि आपने इंजीनियरिंग फिनिश की है yes. और आप यहाँ पे बर्गर सेल कर रहे हो, तो ये क्या स्टोरी है, ये जरा बता दो। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी जो ब्रो है मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉलेज के अंदर था मैं, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा भैया, रोज के कितने बर्गर जाता है आपके? एक्चुअली देखो, हमारे बर्गर अगर देखने जाऊँ तो 80-90 जैसे जाते हैं। जैसे आज की डेट में हमारी लाइक मर्सिडीज में हमारे बर्गर जाते हैं, SVP हॉस्पिटल में जाते हैं। अच्छा। सब जगह पे हमारे बर्गर जाते हैं। क्या बात है, सोच लीजिए कि इतना बड़ा टेबल किसी होटल में नहीं है। अच्छा, ये मेरा सिटिंग है, ये सबसे बड़ा सिटिंग है मेरा। क्या बात है, लाइक ऑल ओवर अहमदाबाद में सबसे हाईएस्ट सिटिंग ऑन गूगल, 4.9 रेटिंग है मेरा। जैसे मेरा खुद का ब्रॉडकास्ट है, 10,000 लोगों का कस्टमर्स बेस है मेरे पास। अच्छा। एक एक पर्सन के नंबर है मेरे अंदर, 10,000 people। यस, 10,000 people। अभी ये बुलेट टमेटो की बर्गर की वजह से ही है, टमेटी बर्गर की पहचान ही हमारी बुलेट है। मैक्सिमम 800 मीटर की दूरी पे अपना प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ से सब कुछ बन के यहाँ पे आता है। ये काफी जंबो साइज का है। यस। चलिए इसको ट्राई करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? माय नेम इज तपन ब्रह्मभट्ट फ्रॉम टमेटिक्की बर्गर ब्रो। अच्छा, और कहाँ से हो आप? मैं एक्चुअली अंबाजी से हूँ, अंबाजी का धाम, माता जी का धाम जो अंबाजी है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, तो ये इनका जो बर्गर है टमेटिक्की बर्गर, ये अहमदाबाद में अभी काफी पॉपुलर हो चुका है। और इनकी स्टाइल ये है कि ये बुलेट पर बर्गर सेल करते हैं, वो भी रिवर फ्रंट पर। अभी इंडिया में आपने बहुत सारे बर्गर खाए होंगे, लेकिन बर्गर विद अ व्यू ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। तो आइए भैया से जानते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है और कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो भैया मैंने ये सुना है कि आपने इंजीनियरिंग फिनिश की है yes. और आप यहाँ पे बर्गर सेल कर रहे हो, तो ये क्या स्टोरी है, ये जरा बता दो। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी जो ब्रो है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं कॉलेज के अंदर था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा। तो हम जहाँ पे कॉलेज में थे, हॉस्टल्स में रहना होता था, तो रात को नाइट फूड कहाँ से लाते, हॉस्टल से बाहर तो हमको जाने को मिलता नहीं था। अच्छा। तो हम क्या करते थे, तब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब नए नए आए थे, हमने सोचा कि लाई अब ऑनलाइन अपने फूड मंगाते हैं। अच्छा। तो जैसे ही हम ऑनलाइन फूड मंगाते थे उसका कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाता था, बिकॉज ऑफ क्या, आपको बैठे बैठे खाना मिलेगा बट एक्चुअली क्वालिटी नहीं मिलता था। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट्स और ये सब कुछ है, सो मैंने सोचा क्यों ना अपन अच्छे प्राइस के अंदर एक अच्छी क्वालिटी की चीज स्टार्ट करें। सो हम तीन दोस्तों ने मिलकर हमने सोचा 700 rupees से ये बिजनेस स्टार्ट है। टमेटिक्की बर्गर 700 rupees से स्टार्ट किया था 2018 के अंदर हमने। अच्छा। सोचा कि ये सब ट्राई करते हैं, यहाँ से मटेरियल आया, वहाँ से मटेरियल आया, सब कुछ इकट्ठा करके हमने मटेरियल बना के सेलिंग करने का। अब सेलिंग करने का मेन पर्पस हमारा ये था कि हमारे पास ना ही कोई बोर्ड था, ना ही कोई शॉप थी, ना ही कोई ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं था कि जिससे लोग हमको अट्रैक्ट हो। तो हमने सोचा एक दो घंटे हमने वेट किया, अभी सोचा कि साला फेस टू फेस मार्केटिंग करते हैं। जैसे 5-7 लोग खड़े हैं, हमने जाके वहाँ पे फेस टू फेस मार्केटिंग की कि हमारा नया स्टार्टअप है और हमने ऐसे बर्गर बनाया है, प्लीज आप टेस्ट करिए। सो 60 rupees का बर्गर था 2018 के अंदर हमारा। अच्छा। उस बंदे ने हमको 50 rupees दिए थे। अच्छा। बर्गर टेस्ट करने के 50 rupees हमको दिए थे, जो आज भी मेरे पास है। 50 क्या बात है। यस। सो उसकी जो खुशी मिली थी ना, और वो जो बंदा उस बर्गर लेके गया, तब हमको लिटरली बहुत अच्छा लगा था, अच्छा फील हुआ था। उसके बाद वो जो बर्गर खा रहा था, हम उसके नजर, मतलब नजर हमारी उसके ऊपर थी, रिएक्शन आप देख रहे थे उनका, रिएक्शन देखना चाहते थे कि यार बर्गर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। अभी इसके अंदर क्या है कि 2018 में हमारा जो बर्गर था और अभी जो बर्गर है उसमें रात जमीन का फर्क है, बिकॉज ऑफ हम जो चीज डेली करते जाएंगे तो उसके अंदर अपन को मिलेगा एक्सीलेंस, और हम उसी एक्सीलेंस के पीछे भागे हुए हैं। प्राइस आप सोच लीजिए 2018 से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 rupees इंक्रीज हुए, 9 rupees इंक्रीज। हमारा बर्गर स्टार्टिंग होता है 69 से लेके 99 तक सारे बर्गर खत्म होते हैं। अच्छा। हमारे पास 3 वेरिएंट है, ज्यादा वेरिएंट नहीं है, बिकॉज ऑफ इतना सारा वो गुचड़ा करने की जरूरत नहीं कि इतना सारा मेनू दिखा दो, नहीं 3 वेरिएंट रखेंगे बट तीनों उनकी जगह पे बेस्ट है। तो भैया आपने इंजीनियरिंग की, तो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे को जॉब करनी चाहिए थोड़ी स्टार्टिंग में, या फिर बाद में मैं अपना कुछ स्टार्टअप करूंगा, तो आपने जॉब की थी या सबसे पहले यही किया था आपने? अभी देखो, अभी कैसा है कि जब मैं कॉलेज के अंदर था हमारा तब लास्ट एंड मूवमेंट चल रहा था। अच्छा। तब हमने ये स्टार्टअप किया था 2018 में। अच्छा। तब हम तो तीन दोस्त थे। हाँ। तो हमने सोचा कि लाओ सेलिंग करते हैं। अभी कैसा रहता है कि हमारे जो तीन दोस्त थे उसमें से दो दोस्त हमारे उसमें से निकल गए, बिकॉज ऑफ किसी को घर पे जाना पड़ा, कोई किसी का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा। अच्छा। है, सीधी बात होती है, सबको कुछ का खुद का करना रहता है। तो वहाँ पे मेरा जो मैन पावर था वो टूट गया, रीजन बिकॉज ऑफ मैं अकेला था। अच्छा। अभी मैंने क्या किया कि यार बंद कर दिया और मैं एक अच्छे से हॉस्पिटल के अंदर जॉब पे लग गया। अच्छा। सो जॉब पे लग गया तो मैंने साला देखा कि अभी ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, नो डाउट 8-12 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और प्लस जब मैंने ये स्टार्टअप किया था तब मेरे माइंड में ये आया था कि यार मैंने वो स्टार्टअप मजाक करने के लिए स्टार्ट किया था। और प्लस तब तक कैसा रहता था कि तब तक हमारा कस्टमर बेस बहुत बन चुका था, जैसे लाइक वोडाफोन हाउस हो गया, ये उस जगह पे हमारा कस्टमर बेस
थोड़ा बढ़ चुका था, तो लोगों के फोन आने लग गए कि भाई अच्छा स्टार्टअप था, चालू की रहे यार ऐसे बुलेट बाइक पे और बाइकर्स पे तुम बेचते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी। सही बात है कि तुम्हारी क्वालिटी दी बेस्ट है। ऐसे अगर हो सके तो आप वापस से चालू करिए। भाई 12 थॉट्स 12 माइंड में थे मेरे जिस दिन मैं जॉब छोड़ रहा था। अब जब मैं बर्गर का बिजनेस स्टार्ट करूंगा वापस इसके अंदर जब इन्वॉल्व हो भाई, तो अकेला है बराबर, तुझे अकेले मेहनत करनी है। 24 घंटे जगना है, कभी भी ऑर्डर आएगा जाना है, भले एक डिलीवरी क्यों ना हो, पर मैं जाता था घर से करता था। अभी सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स हुए हमको ये कॉन्सेप्ट हमारा, ये मतलब जो प्रोडक्शन हाउस लिए हुए। अच्छा। रीजन ऑफ दैट कि अब कस्टमर बेस हमारा बढ़ रहा है तो लोगों को गरम गरम खाना। ये भैया का जो प्रोडक्शन हाउस है वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर ये बर्गर्स उनके बनाते हैं। जो शाम का इनका पिक टाइम होता है रिवर फ्रंट पर, जब भीड़ जमती है इधर, तब ये इधर अपने बर्गर्स कैरी करके यहाँ पे सेल करते हैं। तो भैया अपने बर्गर्स के नाम एक बार बता दीजिए। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बर्गर्स में देखने आया तो बर्गर के अंदर वेज मायोनीज बर्गर है, उसके अंदर क्या रेगुलर टमाटर टिक्की बर्गर है, चीज विद पनीर है और चीजी टमाटर टिक्की बर्गर। सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएंट, 69, 89 और 99, यही 3 वेरिएंट्स है हमारे पास। और भी सारी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, बर्गर हो गया, पफिजा हो गया, गार्लिक ब्रेड हो गया, सैंडविच हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, सारी की सारी चीजें। कोई भी प्रोडक्ट हमारी 130 के ऊपर नहीं है, उसके अंदर सब कुछ आ गया सर। भैया रोज के कितने बर्गर जाता है आपके? एक्चुअली देखो हमारे बर्गर्स अगर देखने जाओ तो 80-90 जैसे जाते हैं। अभी हर एक दिन एक जैसा नहीं रहता। अच्छा। कभी 80-90 जाते हैं, कभी ऐसा भी रहता है कि यार आज सेलिंग नहीं हो, तो वहाँ पे क्या दिमाग चलेगा अपना। अच्छा। तो वहाँ पे आइडियाज आते हैं कि कैसे इसको अब ज्यादा इंक्रीज करें, तो उस आइडिया की वजह से हम और 2-3 चीजें ट्राई करते हैं। जैसे आज की डेट में हमारी लाइक मर्सिडीज में हमारे बर्गर्स जाते हैं, SVP हॉस्पिटल में जाते हैं, सब जगह पे हमारे बर्गर्स जाते हैं। क्या बात है। अच्छा तो भैया आपकी लोकेशन यहाँ पर फिक्स रहती है कि आप पूरे अहमदाबाद में मतलब रोम करते हो? देखो लोकेशन अगर देखना चाहे ना सर, तो लोकेशन क्या रहती है कि रिवर फ्रंट पे डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो बंगलो है उसके अच्छा। सामने इसको उस्मानपुरा रिवर फ्रंट करते हैं। अच्छा। जैसे रेड वॉल है आप देख सकते हो पीछे की तरफ, रेड वॉल हाँ ये, इसी के बाहर हम ऐसे यहाँ पे खड़े रहते हैं और यहाँ से मैक्सिमम 800 मीटर की दूरी पे अपना प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ से सब कुछ बन के यहाँ पे आता है। अच्छा। मेन जगह अपनी यहीं पे उस्मानपुरा रिवर फ्रंट, ददीची ब्रिज के पास और रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क है उसके पीछे का गेट। अच्छा। उसके बीच में हमारा सेलिंग होता है और लाइक हमारे ये कॉन्सेप्ट 24/7 ओपन रहता है, आपको डिलीवरीज भी अवेलेबल हो जाएगी। जैसे आप रिवर फ्रंट पे आए, यही वाले रिवर फ्रंट पे आपने 1-2 बर्गर भी ऑर्डर किया। अच्छा। तो आपको कुछ भी अगर लाइक आपने एक फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर किया तो वहाँ पर आपको विदिन 15-20 मिनट्स के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आउट ऑफ रिवर फ्रंट 5 एंड मोर देन 5 आप ऑर्डर कर सकते हो तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी सर। अच्छा। अभी एक और दूसरी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने रिसेंटली अभी सोचा है। अभी देख लीजिए कि ये रिवर फ्रंट है, तो समझ लीजिए, सोच लीजिए कि इतना बड़ा टेबल किसी होटल में नहीं है। अच्छा। मेरा सिटिंग है, ये सबसे बड़ा सिटिंग है मेरा। क्या बात है। लाइक आप यहाँ पे बैठे हो और आपको विदिन 15-20 मिनट्स के अंदर आपको आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, तो सबसे बड़ा मेरे पास है डाइनिंग टेबल जो किसी होटल में है नहीं। और लाइक मैं फेस टू फेस मार्केटिंग करता हूँ और आज तक मैंने जो भी कस्टमर बेस बनाया फेस टू फेस मार्केटिंग करके ही बनाया है। लाइक मेरे पास कोई मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ मैं अभी आप सोच लीजिए इस जमाने के अंदर विजिटिंग कार्ड मैं आपके पास लेके आया, अभी रिवर फ्रंट पे मैं फेस टू फेस मार्केटिंग करता हूँ, मैं आपके पास कार्ड लेके आया, आपको मैंने थमाया, मैंने कुछ बात नहीं की आपसे, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ आपका और मेरा, मैंने कार्ड दिया मैं चला गया। अभी जब मैं रिटर्न आऊंगा ना, तब ज्यादा नहीं तो 5 लोगों को अगर मैंने कार्ड दिया होगा ना, तो 1 लोगों ने कार्ड शायद फेंक दिया होगा। जो मैं रिटर्न आऊंगा ना, तब अगर मैं कार्ड देखूंगा तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, वेस्ट ऑफ पेपर हुआ, वेस्ट ऑफ मनी हुआ, और सबसे पहला मेरा मोरल डाउन होगा। मैं आया यहाँ पे, मैंने मेरा कार्ड नीचे पड़ा हुआ देखा, अरे यार मेरा कार्ड नीचे पड़ा हुआ होगा, अरे यार ये मतलब ऐसा रहता है माइंड के अंदर, सही बात चलते रहते हैं। जिससे क्या हुआ कि अगर मैं 5-7 लोगों से बात करता हूँ, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे लोग खड़े हो, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम एक बात कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे बर्गर सेल कर रहा हूँ जिसका नाम टमी टिक्की बर्गर है। लाइक हमारा कोई पर्टिकुलर स्टोर और शॉप नहीं है, 2018 से हम यहीं पे बर्गर सेल कर रहे हैं जिसका नाम टमी टिक्की बर्गर है, और ऑल ओवर अहमदाबाद में सबसे हाईएस्ट रेटिंग ऑन गूगल 4.9 रेटिंग है मेरा। अच्छा। तो ऐसे करके हम फेस टू फेस मार्केटिंग करते हैं और प्लेन उसको पहले बर्गर खिलाते हैं, हम जो भी कस्टमर हमारे आए उनको पहले बर्गर खिलाओ कि लाइक फर्स्ट ऑल आप पहले ट्राई कीजिए, अगर आपको ये बर्गर सबसे डिफरेंट और फुली लोडेड लगता है 69 रुपीज के अंदर, तभी आपको मुझे पैसे देने, अदरवाइज मुझे कोई भी एक अच्छा सजेशन दोगे आपको ये बर्गर फ्री मिलेगा। तो तब जाके हम कस्टमर्स को खिलाते हैं और खाने के बाद डेफिनेटली वो मेरा नंबर लेते हैं, हमारा नंबर उनको देते हैं, सो इससे हमारा ब्रॉडकास्ट कवर होता है। लाइक जैसे मेरा खुद का ब्रॉडकास्ट है, 10,000 लोगों का कस्टमर्स बेस है मेरे पास। अच्छा। एक एक पर्सन के नंबर है मेरे अंदर, 10,000 people, यस 10,000 people अराउंड मेरे पास कस्टमर्स है। अच्छा। जिससे मैं उनको ब्रॉडकास्ट करता हूँ, कोई भी हमारी नई चीज होती है उनको ब्रॉडकास्ट करता हूँ। अच्छा। जिससे और बहुत सपोर्टिव है हमारा,
कस्टमर बेस हमारा बहुत सपोर्टिव है, हमको बहुत सपोर्ट करता है। क्या बात है। यस ब्रो। अच्छा तो आपने ये स्टार्ट किया तो आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स क्या क्या फेस करने पड़े थे? स्ट्रगल देखो भैया, स्ट्रगल तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्ट्रगल देखने जाएंगे ना तो पहले होती है हिम्मत। अभी बताओ कि जो इंसान कभी जिंदगी के अंदर उसने कभी कोई काम नहीं किया होगा, ठीक है, वो आके फेस बुलेट बाइक पे बर्गर सेल कर रहा है। अब समझ लीजिए किसी अच्छी जगह पे मैं खड़ा रहूंगा तो वहाँ पे कैसे लोग कहेंगे मालूम है, भाई इसके यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ हो रही है, इसको निकालो यहाँ से। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि हम खड़े कहाँ रहेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट ये रहता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि इसको सेलिंग कैसे करना है। तो सेलिंग के लिए हमने सॉल्यूशन निकाला, फेस टू फेस मार्केटिंग। अभी देखो हमारे पास ऐसा कोई है नहीं क्या जिससे हम लोग किसी ना किसी को है ना कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। या तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा या तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो रहना ही रहना है, तब जाके आपका बर्गर सेल होगा, कोई भी प्रोडक्ट सेल होगी। अच्छा, उसके बाद अगर देखने जाओ तो तुम्हारा रहेगा सबसे बड़ी से बड़ी चीज अगर देखने जाओ तो तुम्हारी प्रोडक्ट। तुम्हारी प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी के माध्यम से ही वो लोग आएंगे। सब कुछ भले तुमने कितना भी अच्छा कर लिया, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर वापस नहीं आएंगे। तो टेस्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, टेस्ट के अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है। और हम जो भी लोग हैं हम सारे भाई है, ठीक है, केयूर और मनन, हम तीनों काम ये करते हैं और तीनों भाई हैं हम, और यही हम तीनों है जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। हमने किसी बाहर वाले को पर्सन को रखा नहीं है, हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं डेली क्वालिटी मेंटेन, और डेली हमारी शॉप की सफाई होती है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा तो भैया इसका नाम टमी क्यों है, टमी टिकी बर्गर्स क्यों है? नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली कैसा है कि टमी मेरी सिस्टर का नाम है। अच्छा। यस, टमी। हम बचपन से जब इसका नाम हमने सोचा कि यार बर्गर तो सेल कर रहे बट एक नाम तो होना चाहिए, तो मुंह पे अब एक सीधी बात है, तुम्हारी बहन को तुम कितनी बार दिन में कॉल करोगे या बुलाओगे, कुछ ना कुछ काम से उसको कॉल करते रहोगे या बुलाओगे, याद करते रहोगे। हाँ। तो मुंह के अंदर से निकलने वाला पहला शब्द और अच्छा, इतनी बार निकलने वाला शब्द वो है टमी। अच्छा। ठीक है, तो टमी निकलेगा तो हमने सोचा यार इसका नाम टमी टिक्की बर्गर रखते हैं। तो अच्छा, तब से जाके 2018 से लेके अभी तक इसका नाम सिर्फ टमी टिक्की बर्गर है। टमी मेरी सिस्टर का नाम है और हमने दैट्स व्हाई उसका एक सबका पेट नेम होता है। अच्छा। उसी सबसे उसका टमी नाम है। अच्छा। तो इसलिए इसका नाम है टमी टिक्की बर्गर। ठीक है। आपको एक चीज बताता हूँ, आप अपने घर पे होंगे, अपने माँ बाप की चीज होते हैं, माँ बाप अगर अपन पे गुस्सा करते हैं किसी चीज को लेकर, तो छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा, आपके घर पे फ्रिज होगा, ठीक है, आपके घर पे फ्रिज होगा, कभी ना कभी आपके माँ या पापा ने आपको डांटा होगा कि भाई तू फ्रिज थोड़ा धीमे बंद कर, पानी की बोतल आपने लिया धड़ाम से तुमने फ्रिज बंद कर दिया, ठीक है। तो कभी ना कभी आपके मम्मी पापा ने आपको बंद किसी ना किसी चीज में ठोका होगा जो उनके पैसों पे होती है। अच्छा। अभी मैंने जब मेरा फ्रिज खरीदा मैंने उसको इंस्टॉलमेंट पे लिया, तब अगर मैं खुद उसको बंद करता हूँ ना तो धीरे से बंद करता हूँ, देखता हूँ कहीं से खराब तो नहीं है, कहीं से डेंट तो नहीं आ चुका, तो तब जाके पता चला कि माँ बाप अपन को जब उस टाइम पे बोलते थे कि भाई धीरे बंद करता, तब पता चलता था क्योंकि अपने पैसों की चीज नहीं थी। अभी अच्छा, ये बुलेट टमी टिक्की बर्गर की वजह से ही है, अभी इसको जरा सा भी स्क्रैच आता है भाई तो दिल पे बात आता है, दिल पे बात है कि यार स्क्रैच आ गया अभी क्या करेंगे। सही बात। थोड़ी देर के लिए हम डीमोटिव होते हैं, यार ऐसे कैसे हो गया ये, इसको जान से प्यारे रखते हैं हम। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये टमी टिक्की बर्गर की पहचान ही हमारी बुलेट है। भैया की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और अगर आप अहमदाबाद में आते हो तो जरूर इनका बर्गर ट्राई कीजिए। ये अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर उस्मानपुरा जो एरिया है वहाँ पर ये पड़ता है इनका बर्गर स्पॉट। तो भैया अभी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, मतलब इसको स्केल अप कैसे करना है अभी? देखो इसका फ्यूचर प्लानिंग हमारा ये है कि समझ लीजिए आप यहाँ पे स्तंभ नहीं लेना, 80 से 90 बर्गर हमारे सेल हो रहे हैं, तो सिर्फ आप थॉट लगाइए कि अहमदाबाद की पॉपुलेशन कितनी है। अहमदाबाद की पॉपुलेशन अगर देखने जाए तो 84,50,220 यहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। अच्छा, सो उस हिसाब से हमको चलना है आगे और बहुत बड़ा करने वाले हम टमी टिक्की बर्गर को। और ये प्राइस अगर रहे तो यही रखना है पहले, कितना भी बड़ा अपना स्टोर हो, क्योंकि ये चीज ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान और छोटे से छोटा इंसान इसको खाना चाहिए। अच्छा। हर लोगों के मुंह के अंदर टमी टिक्की बर्गर का टेस्ट होना ही चाहिए और ये चीज करेंगे हम डेफिनेटली। क्या बात है। हाय ब्रो, दिस इज तपन रॉबर्ट फ्रॉम टमी टिक्की बर्गर। एक्चुअली यहाँ पे मैं ना बर्गर सेल कर रहा हूँ जिसका नाम टमी टिक्की बर्गर है। तो लाइक पूरे अंदर पे रिवरफ्रंट पे और एशिया पे मेरे बर्गर बहुत फेमस है। लाइक मेरा कोई पर्टिकुलर स्टोर दुकान ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक बुलेट बाइक पे बर्गर सेल कर रहा हूँ 2018 से। सो प्लीज ट्राई द वन बर्गर, इट इज ओनली फॉर 69 रुपीज। आई एम डेफिनेटली श्योर आपने ऐसा बर्गर कहीं नहीं खाया होगा। आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे बर्गर सेल हो रहे 2018 से, पूरे अंदर में सबसे हाईएस्ट रेटिंग ऑन गूगल 4.9 रेटिंग है मेरा। तो यही रीजन है मेरा, बिकॉज ऑफ मैं जितना हो सकता हूँ उतना फेस टू फेस मार्केटिंग करके अपने बर्गर सेल करता हूँ। तो गारंटेड आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे पास बर्गर है, देखो तीन वेरिएंट है हमारे पास, रेगुलर टमी टिक्की बर्गर, चीजी टमी टिक्की बर्गर और चीज विद पनीर है। रेगुलर का जो प्राइस है वो 69 है, चीजी टमी टिक्की बर्गर का प्राइस है वो 89 है, और चीज विद पनीर फुली लोडेड उसका प्राइस है 99 रुपीज़।
रेगुलर। अभी भाई ट्राई करने वाला हूँ इनका बर्गर, तो ये है इनका रेगुलर बर्गर। आप ट्राई कीजिए। टिक्की कौन सी है? टिक्की अपनी बनी हुई बर्गर पेटी है, जो ओनली लोग जो मार्केट में देते हैं ना आलू टिक्की, आलू टिक्की नहीं है अपने पास, प्रॉपर बर्गर पेटी है इसके अंदर। अच्छा। यस। और ये काफी जंबो साइज का है। यस। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। फ्लेवर्स काफी अच्छे हैं और जूसी है पूरा बर्गर। ओवरऑल गुड है ये, थोड़ा सा स्पाइसी भी है। प्राइस वाइज सर कैसा लगा? अगर 69 में अगर देखा जाए टोटल वैल्यू फॉर मनी। थैंक यू बड़ी। बाकी ओवरऑल गुड, आई एम टोटली सेटिस्फाइड।